जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:45 हो गई है, 3:45 PM आफ्टरनून, और मार्केट अभी 15 मिनट पहले बंद हुआ है। आज सही में मेरा इच्छा नहीं है वीडियो बनाने का, लेकिन मैं बना रहा हूँ, और जो मैंने अभी इसके पहले वाले वीडियो में बताया वो आपको ध्यान रखना बस। और आप लोग वीडियो को शेयर भी नहीं करते अपने ग्रुप्स में या अपने दोस्तों में, तो उसका भी बदला मिलेगा कल, डोंट वरी। आज मैं अपना काम कर देता हूँ कि फर्स्ट से मैं पीछे भागता नहीं हूँ। लेट अस स्टार्ट नाउ, क्योंकि अब बोलना बेकार है। आज निफ्टी, कल क्या बोला था आप लोग को कि बैंक निफ्टी जो फ्री खाई बना है 790 का, वो ओरिजिनल में आएगा वापस फ्यूचर्स में, 790 फ्यूचर्स में वापस आएगा, बोला था कल। एक ही दिन में 775 आ गया कि नहीं? आज है कोई दूसरा इंडिया में किसी ने बोला ऐसा? था किसी में दम? पूरा इंडिया में किसी ने बोला इसके अलावा, प्रमोद जैन के अलावा, कि 790 आया है और कल आएगा? एक दो दो 3 दिन में आना चाहिए, बोला था ना मैंने। 790 कल का हाई था, याद है? फ्री खाई, जबकि स्पॉट में कल हाई था 553। मैंने बार बार बोला था स्पॉट में हाई 553 है और फ्यूचर में 790, तो कल डेफिनेटली 790, एक दो चार दिन में 790 तो बैंक निफ्टी को आना ही आना है, ये मैंने बोला था। आज ही 775 आ गया, आप सोचिए। तो वो तो हो गई बात पूरी, अब तो याद आ गया होगा। कुछ लोग, आप लोग को खाया हुआ याद नहीं रहता है यार, तुम लोग इतने मतलबी हो कि दुनिया में कोई इंसान इतना मतलबी हो नहीं सकता है, ठीक है। और दूसरी बात, अब शेयर भी करना, और अगर मुझे पता चला कि 2,500 जो मैंने बोला है नहीं आया, तो कल मैं बिल्कुल मौन व्रत ले लूँगा आप लोगों के सामने, और मैं अपना धंधा चालू कर दूँगा दूसरा जो मुझे करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक सेवा से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज ओपनिंग हुआ 360 का ओपनिंग था, 462 का हाई बनाया, हमने लेवल दिया था 4,380 के ऊपर। भाई सेल का तो लेवल आया ही नहीं हमारा, ठीक है। तो 360 के ऊपर ओपनिंग हुआ, 462 का हाई, 462 मैंने बोला 460 का हाई बनेगा आज मिनिमम, आपको उस समय जो वीडियो डाला था कुछ 2:30 या 2:30 बजे के आसपास, 462 का हाई बना, 342 का लो बना, 342 का, और क्लोज किया 428। बहुत ही अच्छी क्लोजिंग आज, क्योंकि 400 के ऊपर, और प्लस आज आप देखो, अगर मैं इसको ट्रेंड लाइन बना दूं तो क्लियर कट ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट आ गया इसमें। दो सौ के नीचे बंद होता तो मार्केट, अब तो 300 के नीचे बंद होगा तो खराब हो जाएगा। अब तो 300 के नीचे, पहले तो 200 बोल रहा था ना मैं, अब 300 के नीचे, आप देखिए क्लियर कट ब्रेकआउट है। तो अब इसको देख के मैं 30 मिनट्स का चार्ट नहीं भी देखू ना, तो अभी 379 के नीचे भी इंट्राडे में खराब होता है, और 300 के नीचे की क्लोजिंग पोजिशनली खराब हो जाता है, 300 के नीचे की क्लोजिंग पोजिशनली खराब हो जाता है, और 379 के नीचे इंट्राडे में अगर 15 मिनट चले तो आप इंट्राडे से भी निकल जाइए। ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ उसको देख के ही। अब वो कई लोग आपको ये सब बताएंगे, फ्लैग पैटर्न, ये सब मैं ये सब नाम नहीं देता हूँ आपको, ऐसे कई भी चीज़ होती है, ये फ्लैग भी बन सकता है ऐसे देखा जाए तो, ठीक है, जो भी हो। तो ब्रेकआउट आया है, मुझे तो बड़ी तेज़ी लग रही है, मुझे 11,800 लग रहा है, 11,800 पर्सनली, लेकिन हम जाएंगे उस पर। 11,800 लग रहा है मुझे निफ्टी, 780 के आसपास का निफ्टी इस सीरीज में जाता हुआ दिख रहा है, 780, ठीक है। लेकिन वो सब दूर की बात है, अभी हमको डे बाय डे जाना है। तो निफ्टी तो बढ़िया बंद हुआ आज, और इसका वीकली चार्ट भी देख लेते हैं हम लोग एक बार।
वीकली में भी बहुत अच्छा सुधार हुआ होगा, क्योंकि वीकली में भी एक ट्रेंड लाइन दिखा रही थी कि 400 के ऊपर। तो चलिए एक बार इसका निफ्टी का जब कर ही रहा है क्रिया, पूरा ही क्रियाकर्म कर देते इसका ना। वीकली देखिए ये 2 वीक डाउन हुआ मार, और ये यहाँ से रिवर्सल चालू हुआ ये देखिए, और ये 50% के ऊपर आ गया। मैंने बोला था आप लोग को क्लोजिंग दे देगा जिसके ऊपर, और इसके ये देखिए इस लाइन के ऊपर मैंने उस दिन बोला था आपको, एक दिन वीकली करके बताया था, तो यहाँ क्लोज दे दिया आज। तो अब तो मुझे लग रहा है ये यहाँ तक आएगा भाई साहब इस सीरीज में 11780, जो मैंने अभी उसको देख के भी बोला। अब देखो इसका भी अगर मैं बनाऊँ ट्रेंड लाइन के हिसाब से तो आप देख लेना अभी। ग्यारह 600 पे एक रेजिस्टेंस आएगा इसको, 11600 पे। मैं वीकली बेसिस बोल रहा हूँ, वीकली बेसिस, ये डेली वाला हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ। तो 11600 एक जरूर बड़ा रेजिस्टेंस आएगा, जो अगर हम 780 का सोच रहे हैं 11600, और नीचे में तो ये तो वीकली अगर पोजिशनली देख रहा तो 11200 ही इसका सपोर्ट बन रहा है। 600 अब रेजिस्टेंस है, 200 तो ये तो 600 तो मुझे लग रहा है इसी शुक्रवार तक पहुँचा देगा क्या। तो ये वीकली हो गया, अब कोई मतलब नहीं, अब सीधा बैंक निफ्टी पे जाते हैं, बैंक निफ्टी का भी कर देते हैं डेली वाला में, फिर अपन 30 मिनट्स में, क्योंकि आज टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मुझे भूख भी लग रही है और मैं आपको पता ही मार्केट के बाद खाता हूँ। तो बैंक निफ्टी भी कल मैंने बोला था, देखिए ये कल आज ये 694 का हाई बना दिया, कल जबकि 553 का हाई था और फ्यूचर्स में हाई कितना था 790। तो मैंने आप लोग को समझाया था, ये सब नोटिंग करना पड़ता है भाई साहब, एक एक सेकेंड देखता हूँ मार्केट को। तो बैंक निफ्टी भी तेजी में ही है, हालांकि बैंक निफ्टी, यस बैंक निफ्टी ज़्यादा तेज तब होगा जब इसको तोड़ देगा 28857 के ऊपर। बैंक निफ्टी बहुत तेज हो जाएगा, 28857 के ऊपर अगर 15 मिनट चलेगा तो बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा, ये मान के चलिए 28857 याद रखिएगा कि ऊपर अगर 15 मिनट चल गया तो बैंक निफ्टी 30,000 भी आ जाए तो कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। अब आ जाता हूँ सीधा आज 30 मिनट्स पे, आज बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं, क्योंकि आज आपको दिखाना कि आप मेरे को कितना प्यार करते हो और शेयर करते हो कि नहीं, मैं वो भी देखना चाहता हूँ। निफ्टी का देख रहे हैं हम लोग 30 मिनट्स का, देखना होना तो आज कुछ लग नहीं रहा, देखना चाहिए फिर भी देख लेते हैं। जबरदस्त, अब तो यहाँ बेस बना लिया भाई, ये तो जो मैंने बोला वही वाला बेस बन गया। 380 मैंने बोला ना, 379 के नीचे इंट्राडे तो वही है परफेक्टली, ये तो और भी कम बता रहा है। चलो यहाँ आ जाते हैं, 379 इस लो को, ये तो 380, यस ये पहला कैंडल का जो टॉप था ना, अब वो हमारे लिए सपोर्ट हो गया। ये पहला आधे घंटे का कैंडल था, इसका जो टॉप था वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो जो 379 मैंने आपको डेली चार्ट में देख के बता दिया, इसको बोलते हैं परफेक्शन मिलाना भी, ठीक है। मैंने इसको तो देखा ही नहीं था उस समय, आपके सामने ही करता हूँ, यहाँ कुछ पढ़ उड़ के नहीं आता, क्योंकि आप 3:30 बजे तो मार्केट ही बंद होता है और ना मेरे पास कोई क्लू रहता है कहाँ हो रहा क्या। और कल के लिए तेजी तो है ही यार, बोलना क्या है, फिर भी 379 के नीचे इंट्राडे में 15 मिनट चले तो आप स्टॉप लॉस मान लीजिएगा या सेल में बैठ जाइए।
440 के ऊपर कल तेजी करना है, ये तो एकदम नज़दीक है। 428 तो आया ही था आज, क्लोजिंग ही हुआ है। चलो इसको ले लेते, अब ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो भी क्या है, 443 हो रहा है, ठीक है 443 के ऊपर लिख देता हूँ यार, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। आज भी छोटी सी रेंज दिया हूँ जबकि मार्केट इतना बड़ा मूवमेंट दिया। कल कितनी, 16 तारीख है ना, और 17 को मैं बताता हूँ मैं 11 बजे से एबसेंट रहूँगा, या फिर मैं एक काम करूँगा जो मेरा प्रोग्राम है मैं सुबह 5 बजे से स्टार्ट कर देता हूँ, 11:30 12 या 1 बजे तक मैं उसको कंप्लीट करके फिर 1 बजे, और 17 का व्यू मैं कल शाम को ही दूंगा, उसके बाद मॉर्निंग में कुछ पोस्ट नहीं आएगा। सत्रह अक्टूबर ग्रेट पीजेस बर्थडे, 16th अक्टूबर बाय निफ्टी स्पॉट इफ ट्रेड्स अबव कितना 440 11 4 4 4 4 15 minutes or more stop loss। अरे यार ये टाइम्स ऑफ इंडिया को भी ब्लॉक करना पड़ेगा, फॉर 15 minutes और मोर स्टॉप लॉस 11379 टारगेट 11500 टारगेट 2 11540 और मोर, उससे भी ज़्यादा जा सकता है। कल किसी ने सोचा था आज ऐसा देखने मिलेगा, इसको बोलते हैं पहले से ही भांप लेते हैं अपन, मार्केट को देख के मार्केट की चाल समझ लेना। ये पहला क्राइटेरिया, दूसरा सिनेरियो होगा फॉर 16th अक्टूबर सेल निफ्टी स्पॉट इफ। मैं तो कोई ऑप्शन चेन नहीं देखता हूँ, यहाँ रेजिस्टेंस है यहाँ सपोर्ट है, साले कितने उल्लू बनाते लोग, ये ऑप्शन चेन में इतने ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ, ये यहाँ हो गया, ये यहाँ आएगा तो रेजिस्टेंस, कुछ नहीं होता है, सिर्फ आप लोग उल्लू बनते हो, आप लोग कुछ नहीं होता। एग्जैक्टली चार्ट देखो, चार्ट नथिंग एल्स, ये ऑप्शन चेन दिखा दिखा के आपको वीडियो अपने चलाते हैं और कुछ नहीं आता उनको ये। अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बताएंगे, 11200 है सपोर्ट, 11600 रेजिस्टेंस, तो मैं करूँ कहाँ ट्रेड भैया, बीच में 400 पॉइंट में मैं क्या हिलाते रहूँ। फॉर 16th अक्टूबर सेल निफ्टी स्पॉट इफ ट्रेड्स बिलो इलेवन थ्री सेवेंटी नाइन स्टॉप लॉस 11444 टारगेट ओपन टिल 325। तो ये कल के लिए है भाई साहब, देख लो आप लोग, फोटो वोटो खींचना फोटो खींच लो, और सॉरी इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, या डायरी में नोट कर लो, आपकी मर्जी है, फोटो खींच लो जो भी करना, मैंने सेव कर लिया इसको। तो ये निफ्टी का है, फॉर 16th अक्टूबर बाय निफ्टी स्पॉट इफ ट्रेड्स अबव 11444 फॉर 15 मिनट्स और मोर स्टॉप लॉस इज 11379 टारगेट इज 11500 टारगेट 2 इज 11540 और मोर, ठीक है। फॉर 16th अक्टूबर सेल निफ्टी स्पॉट इफ ट्रेड्स बिलो 11379 स्टॉप लॉस 11444 टारगेट ओपन टिल 3:25 PM, ठीक है दोनों में, और स्पेशली जब सेल करने जाओ तो हमेशा 15 मिनट्स का ध्यान जरूर रखना, यहाँ 15 मिनट्स बिलो ट्रेड्स बिलो 15 मिनट्स लिखना है यहाँ पे, हाँ ध्यान रखना।
चलो इसको लिख देता हूँ यार, यहाँ तो सब कलाकार भरती है ना। अब हो गया एक परफेक्ट, ठीक है। इसको मैं भी अब वापस सेव कर लेता हूँ। अब बैंक निफ्टी का भी कर देता हूँ मैं फटाफट। ओह माय गॉड, गजब गजब गजब, पूरा आराम आराम से माल जमा किया फिर मारा हथौड़ा। तीन सौ चालीस के नीचे सेल है, ये तो बाई में ही चल रहा है यार, इसको तो क्या छेड़ना है। इसका बाइंग लेवल तो ये बाइंग पे खड़ा ही है। चलो फिर भी दे देता हूँ। छः सौ लिख देता हूँ यहाँ पे। और 16 अक्टूबर सेल बैंक निफ्टी स्पॉट इफ ट्रेड्स बिलो 28,340 फॉर 15 मिनट्स और मोर, स्टॉप लॉस 28,601, टारगेट ओपन टिल 3:25 PM। तो ये बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी का क्या है देख लीजिए। इसको पहले सेव मार देता हूँ मेरे लिए। बैंक निफ्टी में है 4/16 अक्टूबर बाई बैंक निफ्टी स्पॉट इफ ट्रेड्स अबव 28,600 फॉर 15 मिनट्स और मोर, स्टॉप लॉस 28,340, टारगेट इज 28,900, टारगेट टू इज 29,100 और मोर फॉर 16 अक्टूबर सेल बैंक निफ्टी स्पॉट इफ ट्रेड्स बिलो 28,340 फॉर 15 मिनट्स और मोर, स्टॉप लॉस 28,601, टारगेट ओपन टिल 3:25 PM। तो ये बैंक निफ्टी का और ये निफ्टी का, आप लोग फोटो खींचो लिख लो डायरी में जैसी आपकी मर्जी। और ये यहाँ पे मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। रात को मूड हुआ कि आप लोगों के लाइक्स वगैरह अच्छे हैं तो एस्ट्रोलॉजी बना दूंगा, नहीं तो उसका भी जय श्री राम आज ही कर दूंगा। बाकी कल तो मैं और कुछ बताऊंगा आप लोगों को, मतलब मेरा साइलेंसली मैं कल चुपचाप जो करना कर दूंगा साइलेंटली। तो ये फोर्स, ये निफ्टी का है आप लोग देख लो, और ये बैंक निफ्टी का। बाकी मैं पर्सनली तेजी में हूँ।
तो जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। आप सबका दिन अच्छा जाए कल, मेरा भी अच्छा जा सकता है, वो आपके ऊपर है।